देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही टेक्निकल अनिवार्यता के बीच शिक्षण प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता भी आने लगी है। इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए किडजी जॉनी किड्स ने अपने नए करिकुलम को अपडेट किया है, जिसके लिए स्कूल में 26 से 29 जून तक टीचर्स ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक विकास के लिए नई तकनीक के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत ग्लोबल कॉन्टेंट, टैबलेट एप्लीकेशन, ऑडियो न्यूजेबल टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुंबई से आई ट्रेनर निहारिका सिंह ने टीचर्स को ट्रेनिंग दी। इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लोकल ग्लोबल से निकालकर बाहरी वातावरण से परिचय कराना है। ये ट्रेनिंग हो रही है टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये हर हमेशा होते रहती है, हर एक क्लस्टर में होते रहती है। ये ट्रेनिंग होती है टीचर्स के लिए जो हमारे अनट्रेंड टीचर्स होते हैं। अभी जब टीचर्स आते हैं स्कूल में, उनको तो आइडिया नहीं है कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चे को टैकल करना है, कैसे उनको समझाना है, रो रहे हैं बच्चे तो कैसे करना है। तो इस चीज़ की सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या पढ़ाना है, हर एक मिनट को कैसे यूज़ करना है। सो हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये ट्रेनिंग जो देते हैं ये हमारा करिकुलम पे बेस्ड होता है, जो हमारे करिकुलम का नाम है इंटरैक्टिव इल्यूम। सो उसी पे ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। प्रॉपर फुल्ली इक्विप्ड टीचर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं सेंटर्स को। एक एक चीज़ सिखाई जाती है, कैसे उनको वर्कबुक करवाना है, कैसे उनको वर्कशीट्स करवाना है, कैसे उनको क्लासेस लेना है, कैसे उनको डिसिप्लिन लाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बेसिकली डिसिप्लिन करवाने के लिए टीचर्स एंग्री हो जाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, आइज दिखा देते हैं, बट ये नहीं है हमारे यहाँ। बैड बॉय बोल देते हैं, नॉटी बॉय बोल देते हैं। सो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन किड्जी। सो इस चीज़ को भी हम लोग फॉलो करवाते हैं। ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, ये 4 दिन की बेसिकली ट्रेनिंग होती है। हर एक दिन यहाँ पे टीचर्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, टीचर्स को जज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जामिनेशन होने के बाद उनका एक रिपोर्ट तैयार होता है। जो टीचर्स क्वालिफाई करते हैं उन्हीं टीचर्स को हम लोग किड्जी में अलाउ करते हैं पढ़ाने के लिए। सिलेबस वाइज होता है, कितने दिनों का ट्रेनिंग है और जैसा कि हमारे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे किड्जी का एक पैटर्न होता है, जो हम लोग अगर किसी भी जगह पे लिखते हैं ट्रेन टीचर, दैट वी प्रोवाइड ट्रेन टीचर, बिकॉज एक भी टीचर अनट्रेन नहीं होती है। किड्जी में नॉर्म्स है, आपको अगर स्कूल चलाना है कोई भी किड्जी में, तो आपको उधर ट्रेन टीचर ही रखना पड़ेगा। और हर जगह में, हर स्टेट में हमारे साथ एक एक ट्रेनर दिया जाता है, जिनका ये ड्यूटी होती है, जिनका ये वर्क होता है, वो हर टीचर को आके प्रॉपर ट्रेनिंग दे। और ये जो गाइडलाइन होता है, ये टोटल मुंबई से गाइडलाइन होता है। ये हर साल हम लोग ट्रेनिंग देते भी हैं। हमारी एकेडमी मैनेजर आई हुई हैं, मिस निहारिका सिंह, जिन्होंने आपको सारी बातें बताई हैं। और ये ट्रेनिंग हम लोग हमेशा गर्मी छुट्टी में, जब गर्मी की छुट्टी होती है, टीचर्स उसमें फ्री होती हैं, तो लास्ट का जो 5 डेज होता है उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बेसिक ये है जो हाउ टू टीच द चाइल्ड। स्कूल तो बहुत सारे हैं, टीचर्स भी बहुत सारे हैं, बट दे सबको, जितने भी टीचर्स होती हैं, ऑल आर नॉट ए ट्रेन टीचर। और हमारा जो ऑडिट होता है इसमें, इसके बाद एक हमारा ऑडिट होता है, जो अगर हम टीचर्स को छुपा के रख भी ले बिना ट्रेन टीचर के, तो इस ऑडिट से ये चीज़ 100% पकड़ा जाएगा, जो हम लोग ट्रेन टीचर रखें या नहीं रखें। और साथ ही साथ ऑडिट में 100+ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक एक चीज़, जो प्ले स्कूल, जो गवर्नमेंट से दिया हुआ पॉइंट्स है, वो हर चीज़ को हमें मतलब फुलफिल करना पड़ता है। और उस ऑडिट में हमें कम से कम 100 में 90+ मार्क्स लाने भी पड़ते हैं। और हमारे ऑडिटर भी आती हैं, वो पूरा चेक करती है साल में 3 टाइम्स, और कहीं ना कहीं हमें अपने स्कूल को पूरा अपडेट रखना पड़ता है। फ्रेंचाइज